जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा अपने शरीर की उचित देखभाल करते हैं और नाखून हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि अनेक शक्तियों से परिपूर्ण होता है। आप में से शायद ही कुछ लोग ये जानते हो कि नाखूनों का तंत्र और मंत्र में भी उपयोग किया जाता है। हमें से सभी लोग लगभग सप्ताह में एक बार नाखून जरूर काटते हैं और बहुत से लोग अपने नाखूनों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इससे हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप नाखून का एक छोटा सा उपाय करके चुटकियों में अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक या शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तो बस आप अपने नाखूनों का ये छोटा सा उपाय कर लीजिए और तुरंत के तुरंत ही अपनी समस्या से छुटकारा पा लीजिए। दोस्तों, नाखून तो शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है कि जिसकी सहायता से आप किसी भी व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को समझ सकते हैं। इसीलिए जब आप अपने नाखून को काटते हैं और उन्हें कूड़ेदान में फेंकते हैं तो आप अपने पूरे ही अस्तित्व को बर्बाद कर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम अपनी बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का आप कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस छोटे से शेयर से आप उनकी जिंदगी में भी उजाला ला सके, यानी उनके भी दुखों को आप दूर कर सके। दोस्तों, जब आप अपने नाखूनों को काटकर कूड़ेदान में या कहीं पर भी फेंक देते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही नुकसानदायक होता है। यानी इसका प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर पड़ता है। ये सभी चीजें ऐसे व्यक्ति को घेर लेती हैं जो भी व्यक्ति अपने नाखूनों को काटकर कूड़ेदान में फेंकते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपने घर का सारा कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकते हैं तो इससे जो डस्टबिन होता है, जो कूड़ेदान होता है, उसमें एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जब आप अपने नाखूनों को काटकर कूड़ेदान में फेंकते हैं तो यह आपके जीवन को प्रभावित करता है और इससे बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की मानसिक या आर्थिक समस्या है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप कभी भी नाखूनों को कूड़ेदान में ना फेंकें। यदि आपको आर्थिक परेशानी है तो आप मंगलवार और शनिवार को अपने नाखून ना काटें। बुधवार और शुक्रवार के दिन नाखून काटने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तो इसलिए जब भी आप नाखून काटें तो आप बुधवार और शुक्रवार के दिन ही नाखून काटें। इससे आपके जीवन में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वह स्वतः ही समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। नाखून को काटने के बाद आप अपने आंगन में लगे हुए पेड़ों की जड़ों के पास में अपने नाखून को डाल दें। दोस्तों, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पेड़ में ही आपको डालना है। आपके आंगन में जो भी पेड़ लगे हैं आप अपने उन्हीं पेड़ों में अपने नाखूनों को काट कर डाल दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा क्योंकि हमारे आसपास के जो पौधे होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। इससे हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में बरगद का पेड़ है तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आपके घर में जो भी पेड़ है आप उसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं, अपने नाखूनों को काटने के बाद पेड़ की जड़ में डाल देते हैं तो उससे हमारे सुख और शांति में वृद्धि होती है, घर में ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। जीवन में जीने के दौरान कई ऐसे बुरे अवसर होते हैं कि हमारी जानकारी के बिना ही चारों तरफ हमारे दुश्मन और शत्रु बन जाते हैं, तो ऐसे में भी यह उपाय बेहद ही कारगर है। इस उपाय को करने से आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी शत्रु हैं, आपको उनसे भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ आपके चारों तरफ एक सकारात्मकता का वातावरण रहेगा जिससे आपका मन हमेशा ही प्रसन्न रहेगा। और जब मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने जीवन में हर रोज नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अपने मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए आप शुक्रवार को अपने हाथों के और अपने पैरों के नाखूनों को काटकर शनिवार की शाम को
लौंग की रुई से जला दें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह राख बन जाए और उसके बाद ये जो भी राख तैयार होगी इस राख को आप अपने आंगन के पेड़ों की जड़ों में डाल दें। इससे आपके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, तनाव है, भय है, वह सभी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए नाखून से जुड़ा हुआ ये उपाय जरूर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। कल फिर आपसे भेंट होगी इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।